गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कंडेंसर माइक्रोफोन BM-800 का। जी हाँ गाइस, जो स्टूडियोज में गाने वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, वैसे तो स्टूडियोज में काफी सारी चीजें यूज की जाती हैं, लेकिन जो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका माइक्रोफोन। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन को अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक होम स्टूडियो। जी हाँ, मुझे बहुत दिनों से जरूरत थी इस चीज की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कोई अपना होम स्टूडियो बनाऊं और उसमें अपना ये गाने वगैरह का जो सिस्टम होता है वो लाऊं। तो गाइस, होम स्टूडियो बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है आपका माइक्रोफोन कंडेंसर। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। और गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले निकली है पुटपुटिया। ये मेरी सबसे फेवरेट है टाइम पास करने के लिए। जब भी आपको टाइम मिले, मतलब आप बोर हो रहे हो, तो आप इसे टाइम पास कर सकते हो पुटपुटिया को पिट पिटा कर। अभी मेरे पास टाइम कम है, तो अभी हम इसको एक साइड रख देते हैं और देखते हैं अपना कंडेंसर माइक्रोफोन। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, इसके पैकेट होता है जो बहुत सारे उसके ऊपर लगा होता है। मुझे लगता है अमेज़न जो होता है हमसे आधे रुपए तो इसी चीज के चार्ज करता है। तो इसके बॉक्स वगैरह के तकरीबन ये बॉक्स, फिर ये पन्नी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये बॉक्स निकलता है और उसके बाद ये बॉक्स निकलता है और उसके बाद ये फोन। तो गाइस, अब हम आपको दिखाते हैं इसमें, ये है हमारा माइक्रोफोन। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 फोन। फिलहाल ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें वायर नहीं लगी हुई, वायर नहीं लगी, इसके बिना काम भी नहीं करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप फॉर्म लगा लेते हैं इसके ऊपर, जो आपकी एक्स्ट्रा नॉइज होती है, बैकग्राउंड साउंड होती है, तो वो रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये आपकी ओनली आपकी नॉइज पकड़ता है। तो ठीक है गाइस, उसके बाद है जी हाँ, उसके बाद हमारा ये क्या है, और हम इसे फाड़ते हैं। ये थोड़ा नाजुक टाइप का है और ये इसे हम लगाते हैं अपने माइक्रोफोन में। ये एकदम जब इसे बाद में लगाएंगे, चलो फिर छोड़ो। और ये है इसकी केबल। जी हाँ, ये 3 पोर्ट वाली केबल है। इसे हम सबसे पहले हमें यहां से यहां पर सेट करना होता है इस तरह से। ये लग गई यहां पे और इसे हम लगाते हैं अपने लैपटॉप या फिर आप अपने जो आपका साउंड इंटरफेस होता है उसमें लगाते हैं और फिर आती है आपकी एकदम गजब आवाज। तो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है और बाकी बताएंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे साउंड इंटरफेस की। जी हाँ।